देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। परिवर्तन यात्रा के अंतिम दिन पूर्णिया पहुंचे तेजस्वी यादव। पूर्णिया के बाईसी में बिहार प्रतिपक्ष के नेता ने परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस मौके पर किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के साथ साथ दर्जनों विधायक उपस्थित रहे। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि NRC CAA काला कानून है और मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि कागज का टुकड़ा मांगने के बदले हमारा DNA करा लो, लेकिन साथ साथ आप अपना भी करा लो। बड़ी तादाद में भीड़ उन्हें सुनने बाईसी उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंची, जहां तेजस्वी के साथ आवाज दो हम एक हैं का नारा लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अब उन्हें हम चाचा नहीं कहते हैं, वे RSS के समर्थक निकले। ये कानून देश को तोड़ने वाला कानून है। ये कानून हमारी जो भाईचारा है, जो अमन चैन है, उसको छीनने वाला कानून है। ये कानून ध्यान भटकाने वाला कानून है। जो असली में मुद्दे है, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, देश की GDP, आर्थिक मंदी, किसान की समस्या आए दुगुनी, चीजें जो है इन ध्यान से भटकाने वाले होते हैं। ये कानून जो लाया है, देश में ऐसा लगता है आभूषित बजट दो तानाशाह बैठे हुए फरमान सुना रहे हैं कि तुम साबित हो रहे। कानून बनाया है कौन लोग है जो RSS का एजेंडा लागू करना चाहते हैं? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ ये बंच ऑफ थॉट्स बोलकर का कौन लाना चाहते हैं? ये वही है महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे के वंशज लोग हैं, चमचई की, जिनका पाप दादा का देश की आजादी में कोई कुर्बानी नहीं रहा। वो हमसे पूछते हो कि हम इस देश के नागरिक है कि नहीं, हम इस देश भक्त है कि नहीं। आश्चर्य की बात है कि ये लोग पूछ रहे हैं हम लोगों से। अरे मोदी जी, BJP वालों का भी कराओ, पता चल जाएगा कौन कितना देश भक्त है। ये लोग नागपुरिया कानून लागू कराना चाहते। नागपुरिया कानून क्या है? जो हेडक्वार्टर है RSS का, वहां आज तक तिरंगा नहीं फहरा है। आप पढ़ पहले ऑपरेट करने वाले लोग हैं, लोगों को बरगला रही है। हाँ, ये किसी भी तरह से जो भारतवासी हैं उनके खिलाफ नहीं है। ना ऐसे नहीं करते। देखिए, उसमें वो विपक्ष ने बोल रहा है, लेकिन अब यह हमारे नेता बताए कि इसका 5 स्टेप है। इसके लिए थोड़ा लंबा समय हमको देना होगा। पहले तो ये है कि आप एक अप्रैल के बाद से सरकारी पदाधिकारी आपके घर पर आएंगे, आपको पूछेंगे जनसंख्या कितनी है, आपकी संख्या कितनी है, माता पिता कितने हैं। इसके बाद दूसरी स्टेप में आपसे पूछेंगे कि अच्छा, आपके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ था, दादा का जन्म कहाँ हुआ था। अभी तो माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में भी ना माननीय नेता विपक्ष बताए कि उन्होंने कहा है कि मेरे माता का जन्म कब हुआ था ये मुझे भी पता नहीं है। तो ये विपक्ष क्या बोलेंगे? ये काला कानून है। इसमें तो स्पष्ट भी हमारे नेता बताए कि ये काला कानून है, ये नरेंद्र मोदी का लाया हुआ कानून है। चूँकि यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, GDP दर ये सारा कम है, ये जब जनता उससे सवाल करती है तो वो कभी NRC लाते हैं, कभी NPR लाते हैं, कभी ट्रिपल तलाक लाते हैं, तो कभी 370 लाते हैं। पब्लिक को बहकाने के लिए ये सब अलग अलग सब उठा दे करके ये काला कानून को लाए हैं। देखिए, ये तो संयोग है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमें पटना बुलाया और एक आरक्षण के तहत वो दिए हैं कि जो विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल पर कि ये माई समीकरण की पार्टी है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये माई समीकरण की पार्टी नहीं है, ये A to Z की पार्टी है, सभी जाति की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है। इसके तहत पूरे बिहार में
40 जिला में से 14 जिला 27% आरक्षण अत्यंत पिछड़ा को दिया, 18% SC ST को दिया, 5% सवर्णों को दिया। इस तरह से 50% आरक्षण उन्होंने दे। आप देख रहे हैं SDN News, मुद्दे की बात आपके साथ।